है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आज आप लोगों को मैं एक नई तरह की खेती दिखाऊंगा, जो मतलब काफ़ी बेहतरीन है, और आपको ले चलते हैं हम आज वहाँ जहाँ वो खेती की गई है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 8:47 सुबह के। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं नहा धो के, फिर आपको ले चलते हैं। तो अभी मैं आज आया हूँ अपने घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसे ही घूमते घूमते चला आया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये जुलाई का लास्ट महीना चल रहा है और सारे आम पक के गिर चुके हैं, पर एक आम देखिए ये मेरे ऊपर है, जो अभी आज तक एक भी पका ही नहीं, पूरी तरह से कच्चा है। और ये अभी जो आम है, ये आपका अगस्त सितंबर तक ये आम रहता है, ये 15 अगस्त के बाद ये पकना शुरू होगा और काफ़ी स्लो पकता है, और 15 सितंबर के बाद तक भी ये आम रह जाता है। तो ये आम काफ़ी बेहतरीन आम है, मतलब इसलिए बेहतरीन है कि ये काफ़ी पीछे तक इसको धीरे धीरे खाया जा सकता है, और पकने के बाद ये बहुत ही मीठा हो जाता है। आप चाहे इसका अचार डाल लीजिए या इसको पकाकर खा लीजिए, और ये धीरे धीरे पकता जाएगा। और आम का साइज़ भी मतलब बहुत छोटा नहीं है, बड़ा ही है, और धीरे धीरे पकता जाएगा और लोग इसको खाते जाएंगे। तो इस आम की ये खूबियाँ हैं, मतलब काफ़ी देर तक आम टिकते नहीं हैं, पर यही एक ऐसा आम है, देखिए कितना सुंदर आम है, और काफ़ी फल भी इसमें है, अभी तक एक भी आम ये पके नहीं हैं। तो गाइज, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे ये सब्जी लगी है, और इस सब्जी का आपको नाम अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये जो सब्जी है पूरा वहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसका देखिए अच्छे से छपरा बनाया हुआ है, और ये सब्जी अभी इसको लगाए 18 दिन हुआ है, और ये 5 से 7 दिनों में ये पूरा फैल जाएगी, ऊपर से चढ़ जाएगी। ये देखिए कुछ सब्जियाँ कुछ मतलब ऊपर हो चुके, बारिश नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ग्रोथ कम है, और 5 से 7 दिन में कुछ ना कुछ इसमें से फल भी निकलने लगेगा। तो देखिए मेरे पीछे काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था से लगा है, मतलब इसका सिस्टम जो है, इसको झपरा विधि बोलते हैं, तो बांस गाड़ के और ऊपर से रस्सी खींच के, तार खींच के इस पर ऐसे बना दिया गया है, और ये सब्जी पूरा इससे ढक लगी है, ऐसे हो जाएगी जैसे गांव में मड़ई होती है, तो इसके नीचे पूरा आदमी खड़ा होकर तोड़ना शुरू करेगा। कहीं कहीं अब फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है, देखिए ये जो इसका फ्रूट है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों साथ साथ हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड्स, इसी सब्जी के बीच में हमारे यहाँ ये लौकी लगी हुई है, देखिए इसमें ये लौकी काफ़ी मस्त है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रखी है, देखिए मेरे पीछे, देखिए गजब की लौकी है, हर पत्ते के साइड से इसमें फ्लावर आ रहे हैं, फ्रूटिंग आ रही है। तो गाइस, आपको यही दिखाना था, अगर आपको इस सब्जी का नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। गाइज, अभी एक सांप दिखा है, और हम लोगों के खेतों में सांप बहुत है, देखिए कितना बड़ा है, और इसे हमारे यहाँ असढ़िया या धामन बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर हमारे यहाँ मतलब कोबरा भी है, करैत भी है, और सबसे ज़्यादा ये हैं, उसके बाद एक सांप और है पानी वाला, जिसे हम लोग टुड़ाहा बोलते हैं या पानी वाला सांप बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा ये सांप है। सो गाइस, ये देखिए, यह एक पक्षी का अंडा है, और ये पक्षी काला रंग की है,
और थोड़ा सफ़ेद भी है। और ये पक्षी केवल बरसात के मौसम में ही दिखती है, बाकी मौसम में नहीं दिखती है। और इसकी आवाज़ जो है अलग ढंग से निकलती है और थोड़ा रूखा रूखापन इसकी आवाज़ आती है। यह पक्षी केवल अपने अंडे को पाने के लिए परेशान है, इसलिए इधर से उधर कर रहे, भाग नहीं रही है। पर ये पक्षी लगती बहुत अच्छी है। देखिए अब ये खेत में है, और खेत में ही मतलब जब तक बारिश का मौसम रहेगा तब तक ये रहेगी, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। और देखिए इसके कारण में भाग रही है, अंडे के अगल बगल ही है। तो गाइस हो चुकी है रात, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, और अभी टाइम हो चुका है 8:22, और मेरे पीछे देखिए आज परी का मालिश हो रहा है। हालांकि मालिश तो डेली होता है, पर आज जल्दी करवाती नहीं है मालिश, पर आज करवा रही है। और देखिए पीछे सारे लोग अब सोने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड, और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।